कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन ने दिल्ली एवं दिशा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में बाल यौन शोषण एवं बाल मजदूरी की रोकथाम हेतु गिरीश गुज्जर बाल कल्याण समिति सदस्य की अध्यक्षता में श्री शंकर सिंह गुज्जर एसोसिएशन सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गिरीश गुज्जर जी ने लैंगिक अपराधों में लंबित प्रकरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ऐसे मामलों में बाल कल्याण समिति गंभीरता से लेगी और पहल करेगी। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन नई दिल्ली के परियोजना अधिकारी छगन लाल जी ने संस्था का परिचय दिया और चलाए जा रहे एक्शन प्लान के बारे में चर्चा की। आइए दिखाते हैं आपको खबर विस्तार से। सर, मैं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और दिशा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संपादाता महोदय जी शामिल हुए। इसमें बाल मजदूरी बाल यौन शोषण की रोकथाम हेतु जो चलाए जा रहे जो प्लान है उसके बारे में अवगत कराया। इस मंथ 1 मई से 31 मई तक जो एक्शन प्लान जो चल रहा है उसके बारे में सभी संवाददाता महोदय से और विचार विमर्श किए और एक बैठक का आयोजन किया गया। आज कोर्ट परिसर ऑफिस में दिशा फाउंडेशन एवं केला सत्यार्थी फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बालकों से संबंधित बाल मजदूरी एवं बाल शोषण के संबंध में पत्रकार वार्ता में बताया गया और उनके एक्शन प्लान के बारे में बताया गया। जो दिशा फाउंडेशन के तत्वाधान में जो कार्य किए जाएंगे उसके बारे में बताया गया। ये हमारा जो अभियान है वो निरंतर जारी है और हम इसको यहाँ जारी रखेंगे। जो दिशा फाउंडेशन का एक्शन प्लान है उसके अंतर्गत हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। अभी जितना योजना है पुनर्वास करने की, उस योजना से बच्चों को लाभ होता है कि उससे अपन मुक्त। दूसरे संस्था ने दिशा फाउंडेशन संस्था ने यहाँ पर लीगल सपोर्ट पर्सन CW से रिक्रूट किया है नरेश जी को। नरेश जी आज दिख नहीं रहे हैं और हमारे मेन है हमारे वकील साहब गिरीश जी और प्रमोद जी हमारे फील्ड में, जो इस तरह से बाल यौन शोषण केस पॉक्सो के अधीन पॉक्सो के अंडर में मतलब जितना भी केस है उस केसों को लेंगे उसके लिए जो भी।